कुप्त मंदिर बलिया में सामूहिक कथा वाचन पूजन हवन का कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में 27 अक्टूबर बलिया श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा बलिया के तत्वावधान में कायस्थों के कुलदेवता श्री चित्रगुप्त जी महाराज के पूजन उत्सव के अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर बलिया में सामूहिक कथा वाचन पूजन हवन का कार्यक्रम का आयोजन मंदिर महासभा के अध्यक्ष श्री दीपक वर्मा आईपीएस की देखरेख में संपन्न हुआ। जनपद के कोने कोने से आए हजारों कायस्थ परिवारों के बच्चे, युवक एवं महिलाओं की गहमा गहमी बनी रही। इसी कार्यक्रम में साय परिसर में आजमगढ़ से आए कलाकारों श्री राज तुषार सिंह एवं श्रीमती नंदिनी गौर के द्वारा भजन वंदना नेवी गीत के साथ आधुनिक गीतों पर बच्चों एवं कलाकारों द्वारा मंत्रमुग्ध करने वाले डांस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन एवं व्यवस्था में चित्रगुप्त मंदिर महासभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, रमेश श्रीवास्तव, भोलू मेहता, प्राचार्य राजेश श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधान जी नागेंद्र श्रीवास्तव के साथ विशेष योगदान नेता नगर पालिका परिषद बलिया निशित श्रीवास्तव निशु का योगदान मिला। मंदिर को विद्युत झालरों, लाइट एवं फूलमालाओं से भव्यतम सजावट आदि किया गया। विविध तरह के मनमोहक कार्यक्रम के दर्शक देर रात तक भाव विभोर होकर भरपूर आनंद लेते रहे। मंदिर के सचिव विनोद श्रीवास्तव जी ने सबका आभार प्रकट किया। मैं विनोद श्रीवास्तव, चित्रगुप्त मंदिर सभा बलिया के सैकड़ों वर्ष पुरातत्व जमाने से स्थापित इस मंदिर का वर्तमान में सेक्रेटरी हूँ। हमारे इस संगठन के अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा जी हैं, जो रिटायर आईपीएस और आईजी झारखंड हैं। हर साल चित्रगुप्त पूजन के अवसर पर यहाँ पर दिन में कथा वाचन एवं सामूहिक हवन का कार्यक्रम होता है। इसके बाद शाम को भजन संध्या तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों और बाहर से कलाकार इस साल बुलाए गए हैं। और इसमें प्रतिवर्ष पूरे जनपद के हजारों की संख्या में कायस्थ परिवार के लोग श्रद्धा भाव से बच्चे, बूढ़े, सयाने सभी के साथ आते हैं और इस कार्यक्रम में रात 2 बजे तक गहमा गहमी चलता रहता है। इसी बहाने कायस्थों का आपस में एक परिचय भी हो जाता है, एक दूसरे का संबंध जुड़ता है। हम लोग प्रयासरत हैं कि समाज के उत्थान के लिए आगे सभी लोग लग के एक साथ कुछ अच्छा काम करें और एकजुटता दिखाकर, और शासन प्रशासन भी इसके सहयोग और इसके पुनरुत्थान में अच्छा सहयोग करें। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है, हाँ, किस दिन कार्यक्रम होता है और क्या उद्देश्य रहता है कार्यक्रम? ये चित्रगुप्त महाराज के पूजन गोवर्धन पूजा के अगले दिन, ये भैया दूज के दिन मनाया जाता है और सभी कायस्थ अपने अपने परिवार में कार्यक्रम पूजा करके फिर यहाँ मंदिर पर आके सामूहिक पूजा, फिर कथावाचन, इसके बाद सामूहिक हवन का कार्यक्रम होता है। और शाम को इसका मुख्य उद्देश्य है कि चित्रगुप्त महाराज जो लेखनी और पूरे इस हिंदू समाज के ब्रह्मांड के लेखक माने जाते हैं, जीवन से मृत्यु तक का हिसाब किताब रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और एक जोड़ता दिखाना है। हम चाहेंगे कि हमारे काय समाज के अलावा जो भी शिक्षित संवर्ग हैं, सभी लोग इस महत्व को समझें, कलम के दवात को और चित्रगुप्त भगवान के महत्व को समझें और सब लोग इसे अपना आराध्य देव माने, और जो भी कलम के सिपाही हैं सब लोग इससे जुड़े, एक समाज में सार्वभौमिक संदेश जाए। मैं निशित श्रीवास्तव निशु। निशु जी, जो ये कार्यक्रम चल रहा है चित्रगुप्त मंदिर में, एक धार्मिक कार्यक्रम है और प्रतिवर्ष शायद इस कार्यक्रम को बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है और जनता भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है इसमें। आपको प्रतिभाग करने का मौका मिला है धार्मिक एक भव्य आयोजन में, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे जनता से? हम लोगों के आराध्य हैं श्री चित्रगुप्त जी महाराज, और हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि कायस्थों के देवता हैं, लेकिन ये सर्व समाज के देवता हैं, सभी लोग का, जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं सबके देवता है। और मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के आइए, शाम को प्रसाद का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप लोग आइए, आनंद लीजिए और भगवान के संध्या भजन में सहभाग करिए।